यूपी ट्रिपल का दो का 2015 में आया था वो मैंने पहली बार में क्वालिफाई कर लिया था वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था 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 मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और वो हो गया था। जी आप जब लाखों लोगों के बीच में बैठ के पेपर दे रहे हैं और आप उनमें उनफाई कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ग्रुप बी हो चाहे आई एस पी सी एस हो प्लीज कभी भी किसी एग्जाम को छोटा मत समझिए आई स्टिल रिमेंबर द डे शाम का समय था सर साढ़े पांच बज रहा था रिजल्ट आया मम्मी को मैं जैसी रूम बंद करके उसको मैंने खुद चेक किया तीन चार बार की मैं ही हूँ ना इसमें सिलेक्शन में ओके okay, जब मुझे मालूम चल गया कि मैं हूं तो मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई आ, सर वो रोने लगी मतलब मैंने अपने माँ बाप के आपको मैं आंसू देखा हुआ वो खुशी वाले आंसू वो जो एक मोमेंट होता है ना मैं आप सबको बोलूंगी कि आप लोग सच में उस मोमेंट के लिए मेहनत करिए मुझे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है या कैसे क्या करें इसमें प्रॉपर उसका जो गाइडेंस होना चाहिए करंट अफेयर्स का आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है आपको जियोग्रफ़ी कैसे पढ़ना है पॉलिटी कितना पढ़ना है कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा प्रॉपर गाइडेंस सर के माध्यम से मुझे मिला मेरा नाम विदूषी श्रीवास्तव है और मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर सलेक्ट हुई हूँ नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट में तालोक में मैं रवि तिवारी और मेरे साथ है विदुषी श्रीवास्तव विदुषी सिलेक्ट हुई है और आज हम लोग फिर से जो है आपने अभी देखा कि हमने विदुषी को सिलेक्शन वाली मिठाई भी खिलाई और सिलेक्शन वाली चाय भी पिलाई आप सभी लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी लोग भी सिलेक्ट होकर जल्दी से आइए तो आपके साथ भी मैं सिलेक्शन वाली चाय पी और सिलेक्शन वाली मिठाई खिलाऊ विदुषी जूनियर असिस्टेंट में चयनित हुई हैं अभी आपको अपने बारे में बताएंगी मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही मेहनती छात्रा रही है मैंने बहुत प्रारंभिक समय से देखा है कि उसने कैसे पढ़ाई की कैसे उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया कैसे स्ट्रगल किया बहुत संघर्ष के बाद और आप तो उसका चयन हुआ और लेकिन उसने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि हमारा चयन नहीं होगा तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी विपत्तियाँ आपके बीच में आएंगी जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं जब कोई बड़ा संघर्ष आप करने जा रहे हैं जब कोई बड़ा अचीवमेंट आपको लेना होगा तो बहुत सारी ऐसी रुकावटें आएंगी जो आपके बीच में आएंगी लेकिन आपको डिगना नहीं है आपको एक अनुशासित तरीके से जबरदस्त मेहनत करनी है क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे और जब आप निडर होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित आप एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे इसका जीता जाता उदाहरण आज हमारे सामने विदसी श्रीवास्तव जी के रूप में ठीक है तो अभी जो है रूबरू होगी बताएगी आपको कैसे तैयारी की और मेरे जो सबसे प्रिय स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से एक रही हैं विदसी एक अध्यापक एक मेंटर की क्या भूमिका होती है आपके चयन में एक संस्था की क्या भूमिका होती है कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं कैसे आपको मेहनत करनी है और आगे आपके लिए क्या संभावना है इन सभी पर विश्वस्वी बात करेगी हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा ये जो सिलेक्शन वाली मिठाई है और जो सिलेक्शन वाली चाय है मैं आपको पिलाना भी चाहता हूँ आपके साथ ही मिठाई में साझा भी करना चाहता हूँ मैं ये रिस्पेक्ट आपको भी देना चाहता हूँ मैं ये बुकें आपको भी देना चाहता हूँ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ ये टीम पूरा प्रयास और मेहनत कर रही है बस आपकी जरूरत है कि जल्दी से आप चयनित होके आए क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ा क्षण इस जीवन में कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है है ना तो विश्व के साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा विश्व के ऊपर हर हर बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है लेकिन विद्यु ने माता पिता को ही ईश्वर माना है ना माता पिता को ही ईश्वर मान के वो आगे बढ़ी और विदुषी की जैसे इन पेरेंट्स ने इस बच्चे का साथ दिया अगर कभी देर होने लगे तो परेशान मत होइए आप अपने बच्चे पर भरोसा करिए निश्चित रूप से आपका बच्चा अचीव करेगा और आपको वो गौरवान्वित करने वाला क्षण देगा जिससे आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को मैं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अगली आवाज विदी की है पूरा टारगेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट विदुशी को शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि जल्द ही वो और उच्च पदों पर आसीन हो और वो जहां पे जीवन में मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ पहुंचे और अब मैं यही कहूंगा कि वो अपने जो अनुभव रहे हैं उसको एक बार साझा करें आप लोगों से तो विदुशी की आवाज आ, सबसे पहले तो सर का बहुत सारा थैंक यू सर को बहुत सारा थैंक यू इतने काइंड वर्ड्स के लिए मैं अपने बारे में आ, कुछ बताऊं तो उससे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल राइट right प्लेटफॉर्म पर हैं आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं आप यकीन आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है क्यों क्योंकि आप एक सही प्लेटफॉर्म और सही टीम के साथ कनेक्टेड हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो सबको बहुत सारा कंग्रेचुलेस ओके okay. तो एज़ एज़ सर ने बताया कि आ, मेरा नाम विदुषी श्रीवास्तव है और मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर सेलेक्ट हुई हूँ अपने बारे में बताऊँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगी कि 2014 में सर जब मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया तो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल नहीं आइटा था कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है या कैसे क्या करें इसमें तो बट बटफॉर्चुनेटली मैं सर के कॉन्टैक्ट में आई और आ, सर से मालूम चला कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और मैं इसके साथ ये भी बताऊंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि आफ़्टर माय ग्रेजुएशन सर से कनेक्ट होने के कुछ महीने के बाद ही मैंने अपना पहला वाला पेपर जो यू पी ट्रिपल एस का 2015 में आया था वो मैंने पहली बार में ही क्वालीफाई कर लिया था वो मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम था मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था और वो क्वालीफाई हो गया था तो वो इतनी जल्दी अगर क्वालीफाई हुआ तो सर लोग का गाइडेंस था इसीलिए क्वालीफाई हो गया बट uh, चूँकि मेरा स्किल टेस्ट इतना स्ट्रॉग नहीं था तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई बट सर चूँकि आप लोग का पूरा गाइडेंस और सपोर्ट था जैसे मुझे नहीं मालूम था कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है प्रॉपर उसका जो गाइडेंस होना चाहिए करंट अफेयर्स का आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है आपको जियोग्रफी कैसे पढ़ना है पॉलिटी कितना पढ़ना है कौन कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा प्रॉपर गाइडेंस सर के माध्यम से मुझे मिला और इसके साथ रीजनिंग आपको पता ही है रीजनिंग में तो सर ही इज़ द किंग ऑफ रीजनिंग तो सर की रीजनिंग तो वैसे ही बहुत औसम awesome है तो रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं हुई हमेशा अच्छा ही स्कोर किया और रीजनिंग में कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं तो मेरी पढ़ाई का जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो तो सर को ही जाएगा क्योंकि उन्होंने जैसे मार्गदर्शन हम सबको दिया मुझको ही नहीं बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं हम सबको सर ने जैसे ट्रेन किया है उसका ही नतीजा था कि इतनी जल्दी आ, मैंने अपने प्रिपरेशन में पहला बार ही मतलब क्वालिफाई कर लिया सर उसके बाद जब दोबारा मैंने की प्रिपरेशन मतलब मैं लगी हुई थी एस एस सी भी मैं दे रही थी बैंकिंग भी मैं दे रही थी तो दो हजार सोलह में फिर और मैं ये भी साथ में कहता चलूँ की वो ऐसा समय था जब वैकेंसीज बहुत कम आ रही थी जाकली, जाकली। मतलब ये भी था की वैकेंसीज बहुत कम आ रही थी जैसे अभी एक दौर चल रहा है आप लोग देख रहे हैं कि वैकेंसीज कम है लेकिन अच्छी बात थी कि ये थी ये वैकेंसी का इश्यू रहता था कि आती नहीं थी तो एक प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट हमारे सामने वैकेंसी नहीं आ रही है तो उस दौर से तो सर मैं भी बहुत गुजरी हूँ और एक जो समय होता है कि आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं आपकी फैमिली को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है तो वो वाली चीज़ में जब डिले होता है तो डेफ़िनेटली बहुत दुख होता है बट इस मोमेंट पर भी जब आपके पास अच्छे मेंटर होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आ, मैं ये बोलना चाहूँगी सर ये जो जर्नी है ना पूरी ये जो हमारी प्रिपरेशन की ये सिर्फ किसी एग्जाम को क्वालिफ़ाई करने की जर्नी नहीं होती है हम इस पूरी जर्नी में सर बहुत कुछ सीखते हैं इट्स नॉट अबाउट कि हमने कोई पेपर क्वालिफाई कर लिया पेपर क्वालीफाई कर लिया इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सर हम बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं तो आपके गाइडेंस से और आपकी टीम के सर गाइडेंस से तो मैं मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2016 में मैंने फिर से फुल फ्लेस्ड प्रिपरेशन के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को दिया एंड विद गॉड्स ग्रेस और सर लोग के गाइडेंस से मैं क्वालीफाई कर पाई उस एग्ज़ाम को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी सर जब मैं मैंने जब फर्स्ट टाइम क्वालिफ़ाई किया था तो चूंकि मेरा मेन फोकस होता था पढ़ाई पर ही मैंने स्किल टेस्ट की कोई भी प्रैक्टिस की नहीं थी उस वक्त जैसे हम जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें स्किल टेस्ट भी होता है आप सब जानते हैं टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना होता है तो उस वक्त मेरा फोकस केवल रहता था कि मैं किताबें ही पढ़ लूँ या मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो वो तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग हो गया था एक पार्ट लेकिन जो स्किल टेस्ट था उसमें मैं लैक कर रही थी तो जब मैं पहली बार डिस्कवालीफाई हुई सर मैं जब टाइपिंग देने गई थी तो मुझे आज भी याद है मेरा इंग्लिश तो मुझे बस ट्वेंटी डेज मिले थे तो मैंने इंग्लिश तो किसी तरह कवर कर लिया था बट हिंदी नहीं आती थी तो मैं इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाई थी बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मैं देखकर आई हूँ अपना स्किल टेस्ट उस दिन से ही मैंने डिसाइड किया था कि नहीं ओके okay, मैं uh, टाइपिंग का मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगी मैंने सर आपसे इस बारे हाँ, हाँ, बार में बात भी किया था डिस्कस भी हुआ था इस पर कि अभी से ही ये जो स्किल टेस्ट है इस पर काम करना शुरू कर दो तो बस तब से मैंने अपना स्किल बहुत स्किल टेस्ट में बहुत मेहनत की और विद गॉड्स ग्रीस जब मैं स्किल टेस्ट देकर आई थी तो मेरी इंग्लिश में 42 स्पीड थी सर और हिंदी में 38 थी और वो भी मैंने खुद से सीखा था घर पर बट वो हो गया था तो ये है अच्छी जर्नी है आप जब प्रिपरेशन में करते हैं आपके साथ भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में हम सब के साथ आते हैं बट बिलीव मी जब आपके पास सही गाइडेंस होता है आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है ना तो जर्नी लंबी हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती तो यही है कि सर लोग के गाइडेंस से ये जर्नी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं थी मैंने मैं आज आपके सामने एक एग्जांपल हूँ मैं भी घर में मेरे भी बहुत चैलेंजेस बनाए हैं आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली बट जो uh, चीजें हमने घर पर देखी सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें हमारे घर से ही मिल जाता है मैं अपने मम्मी पापा को देखा हुआ है उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था इतनी बात जो विदिशी ने की वहाँ पर आपको सीखने के लिए एक चीज जरूर मिली यहाँ से कि देखो कि उसने बोला कि जब मैं बाहर हुई पहले एग्जाम से तो जिस दिन हम लौट के आए तो हमें पता था कि हमारी कमजोरी क्या है और नेक्स्ट डे से हमने उस कमजोरी पे काम करना शुरू किया जब हमने उस कमजोरी पे काम करना शुरू किया तो अगले एग्जाम में हमें उसमें सफलता मिली जब भी हम कोई पेपर देते हैं जब हम पूरी एनर्जी से किसी पेपर को देने जाते हैं और हम भले उस पेपर से बाहर हो जाते हैं उस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं लेकिन जब हमारा जो प्रयास होता है वह हमें सिलेक्शन के बहुत नजदीक ला देता है अगर हम ईमानदार हैं अगर हम ऑनेस्ट हैं तो हमें ये जरूर पता होता है कि हम किस कारण से बाहर रुके क्योंकि जितना अच्छा आपको पता होगा कि आप किस कारण से बाहर हुए उतना अच्छा दूसरे को पता नहीं होगा कि आप क्यों बाहर थे। तो आपको अपनी कमजोरियों पर स्वयं ही काम करना है जैसे मैंने हमेशा कहा कि जब सुनामी आती है ना तो मछुआरे शांत नहीं बैठते जो कुशल मछुआरे होते हैं जब सुनामी आती है तो वो मछली नहीं पकड़ सकते लेकिन उस समय को वो अपना नेट रिपेयर करने में यूज करते हैं जिससे कि जब उन्हें मौका मिले तो वो बहुत पूरी ऊर्जा से उन मछलियों को पकड़ सके तो आपको इस समय वही कुशल मछुआरा जरूरत है जब समय मिले आप अपनी कमजोरियों पर काम करिए नहीं आ रही है इस समय मिला है पूरे पूरी ऊर्जा से आप तैयारी करिए क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हैं वैकेंसी का संयोग होगा यही जो मेहनत है और ये जो संयोग है वैकेंसी आने का

जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि आपको उससे आपका प्रिपरेशन का लेवल मालूम चलता है तो जब आप टेस्ट दे रहे हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फिर आप उस पर डिस्कस कर रहे हैं सर से कि सर ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है तो आपको एक तो पहले गाइडेंस मिलता है कि आप बेटा गलती कहाँ पर कर रहे हो ये सेक्शन आपका कमज़ोर है या ये पार्ट में आप गलती कर रहे हो या ये नहीं समझ में आ रहा आपको तो वहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिलती है साथ ही साथ आपको पता है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो कितने स्टेजेस का है तो हर स्टेज की प्रिपरेशन फ्रॉम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही होती है तो आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट दिन का एक घंटा अपने स्किल टेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल दीजिए क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि अच्छा ओके okay, आज से मैं टाइपिंग टेस्ट शुरू करूंगा नहीं आप अगर डे वन से ही शुरू करते हो तो जो मैंने सफ़र किया जिस चीज़ से शायद मेरी पहली जॉब लग जाती तो वो चीज़ से आपको नहीं सफ़र करना पड़ेगा एक चीज़ और है कि uh, मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये चीज़ बोलती हैं कि स्पेशली फॉर गर्ल्स कि गर्ल्स का अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है इस समाज में अगर आपको रहना है तो आपका इंडिपेंडेंट uh, होना फाइनेशली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट मी मैं जब से जॉब में आई हूँ या मुझे काफ़ी साल हो गए हैं जॉब करते हुए मैंने वो फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस किया है और मैं अपने आप को इतना ब्लेस महसूस करती हूँ कि ये भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए कि मैं आ, सरकारी नौकरी में हूँ और एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसको मैं इंजॉय कर पा रही हूँ मुझे कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी है या कोई भी ड्रीम है तो उसके लिए अब मुझे अपने घर वालों पर रिलाई नहीं करना पड़ता है ऑल मैं सब चीज़ अपनी मम्मी पापा से पूछ के करती हूँ बट स्टिल मुझे बहुत उन पर रिलाई नहीं करना पड़ता है मैं अपने डिसीजंस फाइनेंशियल डिसीजंस अपने जीवन के ले सकती हूँ तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जब आप नौकरी में आ जाते हो तो आपको मिलता है और एक चीज़ और सी हो चाहे ग्रुप बी हो चाहे आई एस पी सी एस हो प्लीज कभी भी किसी एग्जाम को छोटा मत समझिए मैं सर जब प्रिपरेशन करती थी तो मुझे बहुत से ऐसे क्रिटिसम्स मिले हैं ग्रुप सी का आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी तो मतलब लोग का पता नहीं क्यों मिथ है ये सोसाइटी में कि लोग एग्जाम्स uh, को बड़े मतलब एग्जाम्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं जबकि ये नहीं होना चाहिए हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी आप जब लाखों लोगों के बीच में बैठ के पेपर दे रहे हैं और आप उनमें क्वालिफाई कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये लोगों को लगता है कि नहीं अरे ग्रुप सी क्वालीफाई करना इज़ वेरी इजी नहीं ऐसा नहीं है बट आप जब किसी भी जर्नी को आप किसी भी जर्नी के एंड में जब आप पहुंचते हैं ना वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत जॉयफुल मोमेंट होता है मैं जब क्वालिफ़ाई की हूँ आई स्टिल रिमेंबर द डे शाम का समय तो था सर साढ़े बज रहा था रिज़ल्ट आया आ, मम्मी को मैं जैसी पै तो मैं अपना रूम बंद करके उसको मैंने खुद चेक किया तीन चार बार कि मैं ही हूँ ना इसमें सिलेक्शन में ओके okay, जब मुझे मालूम चल गया कि मैं हूँ तो मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई सर uh, वो रोने लगी मतलब लिटरली रोने लगी उनको लगा कि अच्छा उनके जो संघर्ष के दिन थे वो कुछ हद तक कम हुए मैंने अपने माँ बाप के आँखों में आँसू देखा उस दिन वो खुशी वाले आँसू वो जो एक मोमेंट होता है ना मैं आप सबको बोलूँगी कि आप लोग सच में उस मोमेंट के लिए मेहनत करिए वो मोमेंट जब आपको अपने मम्मी पापा की आंखों में दिखेगा ना आप लोग अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस करेंगे और वो जो अचीवमेंट है ना वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगी वो जो एक खुशी और अचीवमेंट होता है जो अपने मम्मी पापा की आंखों में आप देखते हैं बाकी आप सब बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं राइट गाइडेंस में हैं और जब हमारे पास गाइडेंस अच्छा होता है तो जर्नी लॉन्ग हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती मैंने सर से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई की हुई है मैं ऑफलाइन भी पढ़ी हुई हूँ तो उसमें भी मैं बहुत ब्लेस थी और मैंने ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस किया हुआ है बिलीव मी ऑनलाइन मुझे लगता है सर ज़्यादा फ्रूटफुल होता है इन कम्पेरजन टू ऑफलाइन रीज़न बिंग कि आप ऑफलाइन में बहुत आपका समय कंज्यूम हो जाता है लेकिन ऑफ ऑनलाइन में सर ये बेनिफिट है कि जैसे आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सर क्या आप मतलब इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मैं जब चाहूँ मैं रिवाइज़ कर सकती हूँ

रात में हमने वीडियोज़ देख ली रिवाइज अपना कर लिया तो आ, फिर हमारे पास सर पूरे प्रॉपर नोट्स होते हैं मुझे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड हुए हैं जिसको मैं इजीली मैं मतलब कहीं पर भी अपने फ़ोन में भी मैं उसको रिवाइज़ कर सकती हूँ मैं कहीं पर भी हूँ इवन अब मैं जॉब में सर बट स्टिल मैं आराम से रिवीजन कर लेती हूँ तो मुझे इसका भी बहुत बेनिफिट मिला हुआ है देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड ही बहुत अच्छे मोड हैं पढ़ाई करने के लिए जिनके पास ऑफलाइन की सुविधा है वो सर से ऑफ़लाइन पढ़ सकते हैं जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा है या जो बहुत दूर है या जिनके लिए आना मतलब नहीं इतना फिजिबल है तो वो ऑनलाइन भी बहुत इजीली पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मुझे लगता है सर ज़्यादा कन्वीनियंट है आप कभी भी पढ़ सकते हो आप घर पर अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो आपका कोई क्लास छूट गया है आप नोट्स बना लो उसको रिवाइज कर लो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप रिविज़न कर सकते हो तो आपके पास सब चीज़ें हैंडी है बिल्कुल तो बेनिफिट्स तो दोनों का ही है और डिपेंड्स आप कितना मेहनत कर रहे हैं कितना अपने से एफर्ट्स डाल रहे हैं और जब गाइडेंस हमारे पास अच्छा होता है

एक बैच में हजारों बच्चे होते हैं बारह पंद्रह हजार उसमें से तीन सौ चार सौ बच्चे इसीलिए सेलेक्ट होते हैं क्योंकि हमने जो चीज़ उन्हें बताई है वो चीज़ उन्होंने घर पर अच्छे से तैयार की आप लोगों को भी हम जो होमवर्क देते थे जो चीजें कहते थे तो आप लोग भी उसको करके हमको दिखाते थे कि सर ये हमने किया हम अगर आपसे कह रहे हैं कि इतनी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए तो उतनी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए अगर आपका ऑनलाइन में कोई लेक्चर छूट गया है तो आपके पास भाई ऑफलाइन जैसी दिक्कत नहीं है आपके पास ये सुविधा है कि आप रात में भी उसको देख लीजिए डेली का मैटर डेली तैयार कर लीजिए उसको इकट्ठा मत होने दीजिए है ना तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही आपको चैन तक ले जाती हैं और उसी का वही कहने का सारा मतलब है कि वो यही को बताना चाह रही है कि आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई तो इंस्टीट्यूट तो अपना प्रयास करेगा ही लेकिन आप स्वयं से अपने लिए कितना प्रयास करना है यही आपके चयन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है है ना तो अच्छा है पढ़ते रहिए मस्ती से पढ़ते रहिए बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर आपको उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम मिली है और क्या चाहिए आपको संस्थान हमेशा जो है आप लोगों के लिए तैयार है हर परिस्थिति आई एम सो कॉन्फिडेंट आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बैठ इंटरव्यू देने वाले हैं जैसे मैं दे रही हूँ ये मोमेंट बिलीव मी बहुत सुंदर मोमेंट है आप जब यहाँ पर आके बैठ अपने बारे में बताओगे आपको इतना प्राउड फील होगा ना जैसे मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है आई लिटरली ब्लेस यू ऑल कि आपको ये मोमेंट मिले आप सर से मिले आकर और ये इस मोमेंट को आप इन्जॉय करें तो थैंक यू सो तो मच सर आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं यहाँ पर आके इंटरव्यू दूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच सर मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग जरूर आए और मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का क्योंकि इससे बड़ा क्षण मेरे भी जीवन में कुछ नहीं है देखिए जब आप सिलेक्ट होके आते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है आप सिलेक्ट होकर यहाँ पे आइए आज मेरा दिन बन गया देखिए हम लोगों का तो काम ही है पढ़ाना लेकिन ये हमारा रिजल्ट है हमें ये लगता है कि जैसे जब ये चयन हुआ ना तो ये हमारा रिजल्ट है तो मेरा रिजल्ट आता है तो जब ऐसे आप लोग आते हो और आप लोग मिलकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और, और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं उदाहरण पेश करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है तो जितनी खुशी विदेशी को हुई उससे ज्यादा खुशी इस इंस्टीट्यूट को है कि वो सेलेक्ट हुई और मैं ये पूरा टारगेट में तालूक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा है हम बहुत अनुशासित तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम बहुत मेहनत आपके साथ कर रहे हैं आप भी अपनी तरफ से उतना ही एफर्ट करिए जिससे आने वाले 2023 में से आप में से हजारों लोगों का मैं यहाँ बैठ कर इंटरव्यू करूँ आपको मैं सिलेक्शन वाली चाय भी पिलाऊँ सिलेक्शन वाली मिठाई भी पिलाऊँ विश्वास मानिए उसका स्वाद बहुत शानदार होता है बहुत जबरदस्त होता है ना बहुत गर्व की अनुभूति होगी जब आप उस चीज़ को शेयर करें एक चीज़ और भी है कि जैसे एक सोसाइटी में मिथ है कि हम केवल आई एस ही देंगे Uh, मुझे लगता है ऐसा सर कि uh, जब हम जितनी जल्दी अपने कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं जितनी जल्दी उम्र में जरूरी नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से ही किसी भी तरीके से आप जितनी जल्दी अर्निंग uh, पोजिशन पे आ जाते हैं ना वो बहुत बेहतर होता है आप जब प्रिपरेशन uh, की जर्नी में उतरे हैं तो uh, सबका सर सिलेबस जो होता है वो ऑलमोस्ट uh, सेम ही रहता है लेवल ऊपर नीचे हो सकता है बट सिलेबस सेम ही होता है तो हमें लगभग सारे एग्जाम्स को देना चाहिए और जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए अगर आप अगर आप जूनियर असिस्टेंट हैं ऐसे किसी भी पद पर चयनित होते हैं तो जर्नी आपकी यहाँ नहीं रुक जा रही है मेरी जर्नी भी सर यहाँ पर नहीं रुकी है मैं आगे भी प्राइस हूँ ईश्वर चाहेगा तो मैं डेफिनेटली और ऊपर भी जाऊँगी तो जर्नी आपकी रुकनी नहीं चाहिए और इसीलिए आप मेहनत करिए और सारे एग्जाम्स दीजिए जितनी जल्दी आप जो एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब में आ जाएंगे ना उसकी जो स्टेबिलिटी होती है आप वो जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो फील करेंगे ना वो अलग ही लेवल पर होती है तो आपके पास जब सिक्योरिटी सेफ्टी हो जाती है एक स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर आप आगे फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं एज सच जैसे भी आप चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ा सा बेनिफिट है जो लगता है और संघर्ष देखिए सबके जीवन में आता है हर मोड़ पर आता है समय समय पर आता है सबके परिवार में आता है परिवार के व्यक्तियों के साथ आता है कभी आपके स्वयं की तबियत खराब हो जाएगी सर कभी माता पिता की तबियत खराब हो दिल्कु जाएगी दिल्कु तो वो एक जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना जिस आप एक, एक ही में प्रिपरेशन करता रहा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिजली से बट बिलीव मी जब आपका मन साफ है और आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना तो आज आप निराश हो जाएंगे कल सुबह फिर आप उठ खड़े होंगे ये जर्नी का बेनिफिट है जब आप इस जर्नी में आते हैं और प्रिपरेशन करते हैं तो बस ऑल द बेस्ट बिल्कुल सही कहा मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है जब आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप छोटे एग्जाम को क्वालिफाई करिए बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करिए मेहनत आपको उतनी ही करनी है क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं हम अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं आप छोटे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तब भी आप परीक्षा से पहले अठारह से बीस घंटे परेशान रहेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है आने वाले पंद्रह दिन में जब आप बड़े एग्जाम को चुनेंगे वाले सिलेबस को तब भी आप उतने परेशान रहेंगे कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता हमारे हमें प्रयास उतना ही करना होता है हमें कंसंट्रेशन उतना ही चाहिए ठीक है तो आप जो भी आपने सपना देखा है सबका सपना एक नहीं हो सकता आपके सपने कई रूपों में पूरे हो सकते हैं है ना कई जॉब्स के माध्यम से पूरे हो सकते हैं तो आप प्रयास करते रहिए दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे देखो पारिवारिक समस्याएं सोसाइटी ये सबको प्रभावित करते हैं है ना लेकिन जब आप अड़िग हैं तो ये छोटी छोटी चुनौतियां आती रहेंगी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल इतनी सुविधा मिल जाए कि आप उसी सुविधा में पूरी तैयारी कर लें आपके पेरेंट्स आपके माता पिता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके लेकिन फिर भी जब चुनौतियाँ आपके जीवन में रहती हैं तो उन चुनौतियों को बहुत छोटा समझिए क्योंकि आपने जिस संघर्ष को चुना है वो आपको लाइफ टाइम सेट करने चल रहा है तो छोटे वोटे मोड़ आएंगे ऐसे जब आप हताश होंगे लेकिन मजबूती से उठ खड़े होइए और जब मजबूती से उठ खड़े होंगे ना तो यहीं बैठेंगे आगे ऐसे ही बैठेंगे और मुस्कुराएंगे क्योंकि अब आने वाला जीवन आपका समर चुका है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं विंटरव्यू पी इंटरव्यू पीसीएस के रूप में भी करूँ मेरी ब्लेसिंग्स है कि तैयारी कर रही है कि जल्दी जो है ये एस बने और जो है डिप्टी कलेक्टर बने डिप्टी एस बने और जल्दी फिर से आए और फिर से जो है आप हम लोग एक बढ़िया से साझा करें तो आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए उसको और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को भी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोग भी चयनित गया है बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक यू you